गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। गाइस, आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके पार्टनर क्या आपके लिए सीरियस हैं? ये जो पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में हैं, क्या ये आपके लिए सीरियस हैं? क्या ये रिश्ते को संजीदा ले रहे हैं? क्या है इनकी इंटेंशन इस रिश्ते को लेकर? चेक करेंगे यहाँ पर। रीडिंग हमेशा की तरह से जनरल है, टाइमलेस है, जेंडर फ्री है और रीडिंग सभी जोड़ी साइन के लिए है। अगर आपसे रीडिंग मैच नहीं करती है फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, कोई दूसरी रीडिंग चेक कर लीजिएगा। चैनल पर और भी रीडिंग पड़ी हुई हैं और रीडिंग अगर आपसे मैच होती है तो रीडिंग को क्लेम करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, क्या ये पर्सन हमारे व्यूअर्स के साथ रिलेशनशिप में सीरियस हैं? प्लीज़ गाइड करें, क्या ये व्यूअर्स के पर्सन उनके साथ सीरियस हैं? थैंक यू। बॉटम ऑफ डेक सिक्स ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर दो ग्रुप्स के लिए मिल रहा है। पहले मैं आपको जोडियक साइन बता देती हूँ। यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये आपके या आपके पर्सन के जोडियक साइन हो सकते हैं। ये जो पर्सन है ये बहुत पावरफुल पर्सन है और बहुत वाइजली वर्क करता है, बहुत सोच समझ के स्टेप उठाता है। इसको अपनी लाइफ में जितने भी एक्सपीरियंस मिले हैं वो इसको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। ये कोई भी काम सडन नहीं करते हैं, बहुत सोच समझ कर करते हैं और इनकी ये आदत है कि ये हर किसी का ख्याल रखना चाहते हैं, हर किसी के बारे में सोचना चाहते हैं और अपने जीवन के अनुभवों से इन्होंने कुछ खट्टे कुछ मीठे यादें संजोई हैं, कुछ इनको अच्छे अनुभव हुए हैं, कुछ ख़राब हुए हैं, लेकिन ये फिर भी अपने काम को पूरी ही ईमानदारी के साथ करते हैं और अपने रिलेशनशिप में भी उतनी ही ईमानदारी रखना चाहते हैं। जस्टिस, ये पर्सन आपको लेकर सीरियस हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे ये आ रहा है मैसेज कि इनका आपके साथ पास्ट लाइफ, मतलब इनका आपके साथ शायद कुछ मैटर हुआ है, या तो ये पर्सन आपसे दूर हो गए थे बिना कुछ कहे बिना कुछ बताए, अचानक से गायब हो गए, अब ये फिर से वापस आए हैं, फिर से ये आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, फिर से आपके लिए तांग चांग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपको किसी तरीके से आपको अप्रोच कर सकें, ऐसा ये सोच रहे हैं। ये पर्सन जस्टिस लवर बन चुके हैं। इनका ये मानना है कि इन्होंने जो किया है वो गलत था। अगर ये आपके पुराने पर्सन हैं, आपके साथ इनका रिलेशनशिप रह चुका है, तो जिन व्यूअर्स के लिए ये रिश्ता नया है तो आपको बता दूं कि ये पर्सन आपके लिए सीरियस हैं। जिससे भी आप अभी मिले हो ये आपको लेकर सीरियस हैं और आपको लेकर इन्होंने बहुत सारे सपने संजो लिए हैं अभी से। ये काफ़ी रिच पर्सन लग रहे हैं मुझे। माइंड, बॉडी, सोल से ये बहुत बैलेंस्ड हैं। इनकी एक अपनी अच्छी अलग खास पहचान है समाज में, लोगों के सामने इनकी एक वैल्यू है, लेकिन लाइफ में एक कुछ खालीपन है और उस खालीपन को भरने के लिए ये आपको देख रहे हैं। ये आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं और अगर आप दोनों फ्रेंडशिप में हैं तो ये आपके साथ एक अच्छा ग्राउंडेड रिलेशनशिप चाहते हैं। ये पर्सन उस तरीके से सोचते हैं कि सामने वाले के साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा सारे कार्ड ही बहुत पॉजिटिव हैं। नाइट ऑफ कप्स, इनका ऑरा बहुत एंजेलिक है
और इनका विज़न एकदम क्लियर है, इनको अपनी लाइफ में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये इनको अच्छे से पता है। और ये पर्सन वही इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी फीलिंग्स का या अपने मनी का जहाँ से इनको रिटर्न की उम्मीद होती है। ये एक ऐसा पार्टनर सर्च कर रहे हैं जो इन्हीं की तरह से एंजेलिक ऑरा रखता हो, जो बहुत वाइज हो और बहुत ही काम हो, कूल हो। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव रखते हैं। ये आपको कभी भी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, ये कभी भी आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। ये डाउन टू अर्थ पर्सन हैं और ये आपको लेकर सीरियस हैं। ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में एज ए लाइफ पार्टनर आओ, एज ए विश फुलफिलमेंट। तो यहाँ पर दो कार्ड मुझे विश फुलफिलमेंट के दिख रहे हैं। आपकी एक ख्वाहिश भी थी कि कोई ऐसा पार्टनर आपको मिले जो आपको सचमुच में अंदर से समझ सके, जो आपके लिए खड़ा हो सके, जो वक्त आने पर पीठ दिखाकर नहीं भागे। तो ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में आपने अट्रैक्ट कर लिया है। ये आपको लेकर कब तक एक्शन लेंगे, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, ये कब तक एक्शन लेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए। मोरालिटी, गाइडेंस एंड सिज़ोफ्रेनिया, बॉटम ऑफ डेक इंटेंसिटी। समटाइम ये पर्सन आपके और अपने रिलेशनशिप के इंटेंसिटी को देखकर बहुत घबरा जाते हैं। इनको ये लगता है कि ये कुछ गलत ना कर बैठे, ये आपके साथ भी गलत नहीं करना चाहते हैं, ये अपनी फैमिली के साथ भी गलत नहीं करना चाहते हैं। तो सम टाइम ये बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। सिज़ोफ्रेनिया, इनके विचार इनको सुकून नहीं लेने देते हैं। ये आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, ये आपके लिए आगे बढ़कर कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इनके विचार इनको ऐसा नहीं करने देते हैं। अक्सर इनके दिल और दिमाग के बीच में एक द्वंद्व चलता है, एक फाइट होती है और ये बीच में अटक कर रह जाते हैं। हो सकता है कि इनको रात को प्रॉपर नींद नहीं आती हो, ये रात भर जागते हों, या सोचते सोचते इतना आगे बढ़ जाते हैं कि फिर इनकी नींद चट जाती है और ये रात भर ऐसे ही जाग कर गुजार देते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ व्यूअर्स के लिए आपके पार्टनर या आपके पर्सन या फिर जिस भी व्यक्ति के बारे में ये रीडिंग आप चेक कर रहे हैं, ये सिज़ोफ्रेनिया प्रॉब्लम से भी जूझ सकते हैं इस वक्त। मोरालिटी, ये फंसे हुए हैं दिल और दिमाग के बीच में। इनके आसपास के लोग इनको मोरालिटी के लेक्चर्स बहुत ज़्यादा देते हैं, इनको सिखाते हैं कि अपने समाज के नियम और कायदों के अनुसार विवाह करना चाहिए, अपने समाज के नियम और निर्देशों के अनुसार व्यक्ति को जीवन गुजारना चाहिए। और ये पर्सन अपनी लाइफ को खुशहाल जीना चाहते हैं, खुश होकर जीना चाहते हैं, मस्ती इंजॉय करना चाहते हैं, अपने जीवन को महसूस करना चाहते हैं कि जीवन होता कैसे है और जीवन में जो खुशियाँ हैं वो कैसे कैसे जी जा सकती हैं। तो ये पर्सन अपनी खुशियों को जीना चाहते हैं, लेकिन इनके आसपास के जो लोग हैं वो इनको फ्री नहीं होने देते हैं। तो सम टाइम ये व्यक्ति अपने दिमाग के द्वंद्व में फंसे रहते हैं, टू ऑफ सॉर्ट्स की तरह से। गाइडेंस, यहाँ पर एंजल है, यहाँ एक पर्सन है, ये पीछे की ओर देख रही है। एंजल इनको मोटिवेट करते हैं, इनको आगे बढ़ने के लिए बहुत सारा करेज देते हैं, बहुत सारा पावर देते हैं, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति अपने फैमिली, अपने कल्चर, अपने जो डेली लाइफ है उसके प्रति बार बार मुड़ के देखते हैं। इनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं एंजल्स, लेकिन ये बार बार अपनी बैक लाइफ को या अपने पास्ट को देख रहे हैं, उससे ये निकल नहीं पा रहे हैं। तो आपके लिए एक्शन लेने के लिए अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, इनको थोड़ा सा वक्त ये ले सकते हैं।
चेक कर लेती हूँ कि यहाँ से आपके लिए क्या मैसेज निकल कर आ रहा है, उसके बाद कृष्णा कॉन्शियसनेस से देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है आपकी लव लाइफ के लिए। लव बिलीव्स आपको कह रही है यूनिवर्स की अपने प्यार पर भरोसा रखिएगा। इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं लूँगी, मुझे सिर्फ दो कार्ड और चाहिए। थैंक यू यूनिवर्स, सिर्फ दो कार्ड्स और दीजिएगा मुझे। थैंक यू। ओके, बॉटम ऑफ डेक, एडिक्टेड, मेटामॉर्फोसिस, लव बिलीव्स एंड फॉरगिवनेस। ये आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं। ये पर्सन आपसे माफ़ी चाहते हैं और ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए। जो पास्ट में गलतियां हो चुकी हैं उनको दोहराना नहीं है, बस आगे बढ़कर एक्सेप्ट कर लीजिएगा और ये पर्सन धीरे धीरे खुद में इम्प्रूव लाएंगे, ऐसा उनका मैसेज है। और यूनिवर्स भी आपसे कह रही है कि आपको इनको माफ़ कर देना चाहिए, अपने प्यार पर भरोसा रखिएगा, आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी होंगी वक्त के साथ। चेक कर लेते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस से कि आपके लिए उनकी क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच, थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू, आप हमेशा ही मुझे परफेक्ट गाइडेंस देते हो। प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के लिए, आपका क्या मैसेज है इनके लिए, क्या आपकी सलाह है, प्लीज़ गाइड करें। हेल्प इज़ ऑन द वे। अगर आप लोग किसी तरह की हेल्प चाहते हैं अपने रिलेशनशिप के लिए तो ये हेल्प आपके लिए मार्ग में है, आप तक बहुत जल्द पहुंचने वाली है। यू विल गेट आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस, डोंट वरी, यू विल सून रिसीव हेल्प। आपको बहुत जल्द हेल्प रिसीव होगी, आपके मन में जितने भी क्वेश्चंस हैं अबाउट लव लाइफ, अबाउट करियर, अबाउट डेली लाइफ, आपको सबके आंसर्स मिलेंगे। डोंट वरी, बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चेक कर लेते हैं वन मोर कार्ड। थैंक यू कृष्णा जी, एक कार्ड और दीजिएगा हमारे व्यूअर्स के लिए। ओके, थैंक यू सो मच, टाइम टू मूव ऑन। ओ माय गॉड, देखिएगा ये कार्ड खुद से फिसल कर नीचे आया है। टाइम टू मूव ऑन, फॉलो द पाथ डेस्टाइंड फॉर यू, मूव ऑन, डू नॉट स्टॉप और लुक बैक। देखिएगा यहाँ पर भी एक कार्ड आया था जिसमें वो पर्सन पीछे की ओर देख रहे थे, तो आप दोनों के लिए ही ये मैसेज है कि पीछे नहीं देखना है, मुड़कर आगे बढ़ते जाना है। द डिज़ायर्ड चेंज विल कम। आप जो भी चेंजेस चाहती हो अपनी लाइफ में वो आपको आगे मिलने वाले हैं। ट्रू डिवोशन एंड फेथ, अ हम्बल ऑफरिंग ऑफ गॉड इज़ ग्रेटर देन एनी मटेरियल वेल्थ। अगर ईश्वर का प्रेम आपके लिए है, ईश्वर आपके लिए अवेलेबल हैं, तो मटेरियल थिंग्स कोई मैटर नहीं करती हैं। प्रेम, ईश्वर के प्रेम के आगे तो सब कुछ व्यर्थ है। पेशेंस, ऑल योर एक्शंस विल बी रिवॉर्डेड एंड लव विल फॉलो, हैव पेशेंस। आपका जो प्यार है वो आपको फॉलो करेगा, आपके पास आएगा, आप बस सब्र के साथ बने रहिएगा, आपकी सारी विश पूरी होंगी। गॉड आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ है। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।